नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर के बस स्टैंड वार्ड नंबर 10 की लापता हुई मुस्कान काछेवार उम्र 20 वर्ष की हत्या के बाद उसका शव महाराष्ट्र के काटोल से मिला है। बताया जा रहा है कि मुस्कान काछेवार अपनी मां उर्मिला काछेवार को 5 जुलाई को सुबह 7 बजे कुछ सामान लेकर आने का कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह घर वापस नहीं आई। मुस्कान काछेवार की मां ने लगातार उसके फोन पर संपर्क किया, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। अचानक मुस्कान काछेवार के घर से निकलकर फोन नहीं उठाने से उसकी मां उर्मिला काछेवार ने आमला थाना पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी। इधर आमला थाना प्रभारी संतोष पंद्रे ने बताया कि सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप पर महाराष्ट्र के काटोल पुलिस द्वारा 6 जुलाई को एक अज्ञात युवती की हत्या के बाद शव मिलने की जानकारी पोस्ट की गई थी। मुस्कान काछेवार की मां के द्वारा बताए गए कपड़े एवं हुलियों के आधार पर मृतक का मुस्कान के रूप में पहचान हुई। उधर काटोल पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर दफना दिया गया है। बहरहाल मुस्कान काछेवार की आमला से काटोल ले जाकर की गई हत्या पर आमला नगर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है।